नेता, इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी उनकी उदारता देखिए कि जब उनसे भूल हुई तो उन्होंने खेद भी प्रकट किया, आप लोगों के सामने, सब लोग के सामने खेद प्रकट किया कि बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं पूरा विश्वास करती है उन पर, इस और आज भी उनको उतना ही स्नेह और प्रेम देती है। क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो उनका राय है, लेकिन आप जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बात के लिए तो खेद प्रकट किए ना। महिलाएं बहुत मानती है, उनको आधी आबादी देवता मानती है, इसलिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री शीला जी। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का विरोध हो रहा है, इसको आप कैसे देख रही हैं एक महिला होने के नाते? देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि हमारे आदरणीय नेता, इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी उनकी उदारता देखिए कि जब उनसे भूल हुई तो उन्होंने खेद भी प्रकट किया, आप लोगों के सामने, सब लोग के सामने खेद प्रकट किया। और ये लोग जो हैं बेमतलब का, जो आज जातीय आधारित जनगणना हुआ है उसमें जो रेशियो आया है सब अति पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति जनजाति के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आरक्षण दिया है उसका है, बिल आना है, इस सब को पच नहीं रहा है, इसीलिए उन लोगों ने इस तरह का माहौल ऐसा बना दिए हैं ताकि वो लोग डिस्टर्ब हो। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं पूरा विश्वास करती है उन पर, इस और आज भी उनको उतना ही स्नेह और प्रेम देती है। बीजेपी की जो महिला विधायिका हैं, किसी ने कहा कि उनका मुँह काला कर देंगे, किसी ने कहा मुँह नोच लेंगे, कोई किसी ने कहा कि लोला है, किसी ने कहा कि अपनी माँ से जा करके पूछो किस तरह से पैदा किया है, एक महिला होने के नाते इस तरह से बखान करना? देखिए, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उन सखी से, बहिनपा से हम कह रहे हैं और उनसे, बहन से हम निवेदन कर रहे हैं कि जब मणिपुर में हो रहा था इस तरह के महिलाओं को साथ, उस समय उनका संवेदना कहाँ था, कहाँ सो रही थी, हम पूछना चाहते हैं उनसे, उनका संवेदना क्यों नहीं जगा, क्यों नहीं वहाँ के मुख्यमंत्री से लोग मांगा कि हमको त्यागपत्र दीजिए, चाहे कुछ तरह की बात, चाहे आप दिल्ली वाला केस ले लीजिए, जो रेसलर लोग थी जो उसके साथ क्या क्या हुआ, तो इस तरह सब जब अपना बारी आता है तो समझ में नहीं आता, उस समय संवेदना सबका ख़त्म हो जाता है। शीला जी, आप भी एक महिला हैं और जब निवेदिता सिंह ने विधान परिषद में कहा कि हम यह बात को सुन नहीं पाए, बहुत निंदनीय थी, और जिस तरह से वो भाषा का प्रयोग किए, यह भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, सेक्स एजुकेशन की अगर वो बात करते हैं तो क्यों नहीं विधानमंडल को सेक्स एजुकेशन ही खोल देते हैं इसमें? देखिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो उनका राय है, लेकिन आप जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बात के लिए तो खेद प्रकट किए ना, जो उनसे ही हुआ, समझ गए। एक सवाल यह भी है कि क्या लगता है कि अभी यह जो राजनीति हो रही है क्या करवट ले सकती है, क्या लग रहा है बिहार की राजनीति में कुछ खेल होगा क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता इतना काम किए हैं और बिहार की जनता सब समझ रही है कि कौन हमारे लिए हितैषी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की महिलाएं बहुत मानती है, उनको आधी आबादी देवता मानती है, इसलिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। अब चाहती हैं कि अब इस पर राजनीति न हो? देखिए, आप जब सदन में, दोनों सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी खेद प्रकट, उसके बाद तो कुछ मामला बनता ही नहीं है। वास्तव में सोचिए तो, जब आप सदन में, जान लीजिए कि गरीब गुरबों का मुद्दा उठाया जाता है, कैसे राज्य का विकास हो, कैसे डेवलप हो, इस बात पे सब लोग को मिलजुल करके ध्यान देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री शीला मंडल का, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बयान था उस कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बात को समझें और उन्होंने माफ़ी मांगी। अब मुझे लगता है कि इसमें आगे राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी को मिलजुल करके जो है बिहार के विकास में हाथ बटाना चाहिए, तभी बिहार जो है अग्रणी राज्यों में जो है गिनती होगा। लेकिन देखने वाली विषय होगी कि जिस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं वह आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं, राजनीति करवट की सुर लेता है, ये तो समय के गर्त में है, लेकिन फिलहाल यह जो बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है, आगे किस करवट लेता है ये देखने वाली विषय होगी। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।